सुडान, अफ्रीका, एक अनोखा देश, अनजान भाषा, अनजान लोग। मैं जिंदगी भर फिशरमैन ही रहा, नया काम सीखना मेरे लिए आसान जो नहीं था। यहां मुझे एक प्यारा दोस्त मिला, सामी, जिसने मुझे अपने जिगरी दोस्त सकराई की याद दिला दी। उसे भी मेरी तरह ये काम पसंद नहीं था। यहां हमसे जबरदस्ती मेहनत करवाई जाती थी। क्या बदनसीबी है, मैं मछलियों को समंदर से दूर ले जाता था, आज जिंदगी ने मुझे घर से दूर इस रेगिस्तान में फेंक दिया। अरे रे रे रे, तू भी जब देखो अपनी मछुआरे की जिंदगी ही याद करता रहता है। ऐसा क्या था वहां पे? पानी। हाँ, इतना ही? पानी की तो हमारे शहर में भी कमी नहीं थी। अरे नहीं, कुछ और भी था, तू नहीं समझेगा। तेरे साथ घूमने में एक चीज बहुत मजेदार लगती है, बेफिक्र होकर सुट्टा मारना। मजा आ जाता है यार। मजा आया ना, मेरे शहर की खास बीड़ी है। यहाँ बस एक ही काम से दिल खुश होता था मेरा, पनी मलर से हफ्ते में एक बार बात करना। बहुत खुशी मिलती थी इस दिन, उस रात चैन से सोता था। धीरे धीरे मुझे इस शहर और यहाँ के लोगों की आदत होने लगी। इंसान चाहे कहीं के भी हो, साथ रहें तो लगाव हो ही जाता है। 2 साल किसी तरह से यहाँ गुजर ही गए, और अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, पनी मलार की बाहों में, समंदर की लहरों में फिर से भीग जाने के लिए। मरियन, पनी, कैसी है रितु? तू कैसा है? तुझसे बात करके जान आ गई है। बस एक हफ्ता ही रह गया है ना? जानती है, 2 साल काटना जितना मुश्किल नहीं था पनी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे लिए ये हफ्ता काटना होगा। और मेरे लिए ये हफ्ता कितना मुश्किल होगा मैं बता भी नहीं सकती। अभी आ रहा हूं ना पनी, तेरे समंदर में, हमारे लम्हों में और तेरी बाहों में। सबसे पहले मुझे तेरे हाथों का बना मसाला भात खाना है। हाँ हाँ, तुझे मेरे खत के साथ वो मिला? तेरा खत भी मिल गया और वो भी। अरे वो अब और मत भेजना, अब वहां आकर खुद ही ले लूंगा। ऐसा क्या? अच्छा सुन, बापू ने हमारी शादी के बारे में गांव में हर एक को बता दिया है। बस अब शादी का तेरा सूट सिलना बाकी रह गया है। ऐसी क्या जल्दी है, तुम माई को कहना, इन 2 सालों में मेरा साइज बदल गया है, जब वापस आऊंगा तब सिलवा लेंगे। 2 साल में तो बड़ा मोटा तगड़ा हो गया है ना। क्या हुआ? अब मेरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं और काम पे भी लौटना है, तो मैं जाऊं? जाने देना। सुन मरियन, तू सेफ वापस आना। ठीक है, अपना ख्याल रखना। I thought big road, big building जैसी दुबई में होती है, ये पूरा रेगिस्तान है। No Dubai, a desert। ए, बता ना क्या बोल रहा है? ले, इसे दुबई चाहिए। अरे भाई, ये दुबई नहीं है, अफ्रीका है।
जहाँ हम 2 साल से ऐसी तैसी करा रहे हैं। अभी अभी आया है ना, कुछ दिन में जान जाएगा। ओ ड्राइवर चाचा, बढ़िया सा कोई तमिल गाना लगा। अरे नहीं चाचा, कोई हिंदी गाना ही लगाना। ए तुम सब हिंदी वाले हिट तमिल फिल्मों को कॉपी करके फ्लॉप हिंदी फिल्में बनाते हो और उनकी फ्लॉप गाने। अरबी में मद्रासी, इधर भी मद्रासी, जहाँ देखो मद्रासी मद्रासी। यू शट अप परदेसी, तमिल लोग मेहनती हैं इसलिए हर जगह हैं। तुम्हारी फिल्मों को ही देख लो ना, श्रीदेवी मद्रासी, हेमा मालिनी मद्रासी, सिल्क स्मिता वो भी मद्रास से, रहमान मद्रास से, सचिन तेंदुलकर मद्रास से। सॉरी सॉरी सॉरी, जबान फिसल गया। अरे मरियन, चेन्नई तो फॉरेन सिटी है ना, क्यों इतना बोलता है? यहाँ के सन्नाटे में तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, पर तेरा तो बढ़िया है, जाते ही शादी कर लेगा तू तो। और पिछले 2 साल से यहाँ रहकर भी छोकरी के फोटो से रोमांस कर रहा है। और मुझे देख, 4 में से 1 को चुनना है मगर कोई पसंद ही नहीं आ रही। अब क्या करूँ मैं, तू ही बता ना किसे पसंद करूँ। तेरी पसंद छोड़, तुझे कौन पसंद करती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम मरियन है, जिसका मतलब है कभी ना मरने वाला। जैसा नाम से जाहिर है, मैं बहुत ही घमंडी और रुआ बोला था। खुशनुमा ठंडी बयारों की जगह मैंने तूफानी हवाएं झेली हैं, फ्राइड फिश की जगह टेस्टलेस खाना खाया है। मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वहां मैं बादशाह था, समंदर का बादशाह। अरे मरियम, जो इसका जवाब नहीं कर पाया वो इसने कर दिया है। क्या बात है, टाइगर शार्क होना चाहिए, छोड़ना, क्या कमाल का मछुआरा है ये। क्या मरियन, लगता है सारे शिकार तू ही ले जाएगा? अरे हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। मेहनत करता हूँ, जान लगाकर कमाता हूँ अपनी रोजी, समझ गया ना? यार एक यही है जिस पे मेरा बस कभी नहीं चल पाता। बहुत बड़ा शिकार है, बोट लेके आ जाओ। कमाल है यार मरियन, तेरा जवाब नहीं रहे, पूरी निरोड़े में एक तू ही है जो आज भी भाले से शिकार करके दिखा देता है। ये बड़े शिकार के लिए कितनी देर तक सांस रोके बैठा रहता है और हम आलसी बोर्ड पे रहते हैं। कुछ खाने को दे। हाँ भाई ये लेना, ये लेना, ये सिर्फ खाना देगा लेकिन मेरे टिफिन में प्यार और दुलार भी है। यार मरियन तेरी इन चालबाजी में आने वाला नहीं है। अरे मरियन, जब भी ये पन्नी से मिलता है ना, तुझ पे डोरे डालने के नुस्खे बताता है और यहाँ प्यार और दुलार की बकवास करता है। याद रखना, मरियन को जो पसंद है ना वो उसे छोड़ता नहीं, और जिसे ये नापसंद करता है उस पर नजर तक नहीं डालता। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन जैसे धर्म जी के लिए हेमा, अभी जी के लिए जया, वैसे ही हमारे मरियन के लिए पनी बिल्कुल सही है। उसे कुछ कहना है भाई? क्या बोलेगा तू? नहीं मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो नहीं मिलती और जरूरी चीज मिल के रहती है। क्या रे, तू बच्चे को आशिकी सिखाएगा? अभी एक लाफ करूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा मोटू। जो नहीं हो सकता मतलब वो नहीं हो सकता, समझा ना? चल अपना काम कर। सुन यार, मैंने उसे कह दिया कि मैं इसे आज चर्च पे लेके आऊंगा, अगर नहीं लेके आया तो वो मुझे टपका देगी यार, और तूने अगर बीच में टांग अड़ाई तो तू भी गया समझ। अगर ये बात इसे पता चल गई ना तो तेरा कचुम्मा निकाल देगा, समझ ले तू अभी इसी पल गया। क्या कुछ पूछ रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं मरियन, ये मुझे भी ज्ञान दे रहा था। Thank you.
चलो। मुझे ऐसे चर्च में खींच के क्यों लाया था? अचानक तुझे भगवान लोग की फीलिंग आ गई क्या? मेरे पाप धोने हैं क्या तुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। किसी साबुन से नहीं धुलने वाले, कोशिश भी मत कर। ठीक है। ये बता, कुटी अंडी कहाँ है? तुझसे पूछ रहा हूँ, कुटी अंडी कहाँ है? ठीक है, पड़ा होगा कहीं सड़क पे और क्या। अच्छा, खाली अपन लोग ही उसे सुधार सकते हैं। अरे सकरई, देख आज कौन आया है चर्च में। मैं ही तो लेकर आया हूँ। चुप रहना। ए, तू मुझे देखने आया था ना? ज्यादा सपने मत देख, ये मुझे खींच के लाया था। तो तू मुझे घूर क्यों रहा था? तुझे कहाँ, तेरे आसपास की लड़कियों को देख रहा था। अगर तू उन्हें ही घूरने आया होता ना, मैं तुझे वहीं गाड़ देती, समझा तू? पीछा छोड़, मुझसे बात कर। जिसे हम जरूरी नहीं समझते वो हमें कभी नहीं मिलता, मगर जिसे जरूरी मानते हैं वो जरूर मिलता है। कहा था ना मैंने? हे, बात मैं कर रही हूँ और तू उसे देख रहा है? देख महारानी, ये हाइड एंड सीक का गेम तू मुझसे मत खेल, और चुपचाप अच्छी बच्चियों की तरह तू अपने घर चली जा। जा। देखती हूँ तू कब तक नहीं मानता। हे, एक बात कहूँ? मैंने तेरी आंखों में अपना प्यार पढ़ लिया है। ऐसा क्यों? चाहे जो हो जाए, तू मेरा ही बनेगा। देख लेना। क्या बोलता है भाई, ये तुझे फंसा कर ही रहेगी। तू तो बड़ी बड़ी मछलियां फंसाता, भला तुझे कौन फंसा सकता है? पूरी दुनिया में तेरे ऐसा कोई नहीं है। एक नंबर मरियन। ताड़ी पीने का वक्त हो गया बापू। वो क्या है अपना, इतने पंक्चुअल तो काम पर जाने वाले लोग भी नहीं होते। मैं भी काम पर जाता रे, मगर मरियन मुझे कहता है कि वो मुझे बोट का किराया दे देगा रे। मतलब सिली का बेटा प्रॉब्लम है? सिली वो कहती है मैं प्रॉब्लम हूँ, और तू उसी के बेटे को प्रॉब्लम कहती है। वो तो हम सबके लिए प्रॉब्लम है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तेरे हाथ की मछली का जवाब नहीं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे लोग। मीठी बातें खत्म हो गई हो तब जा। कैसी है परी मलर, तू तो काफी बड़ी हो गई है, क्या हाल चाल है? जद से आ रही है क्या? पूरे निरोड़ी में एक तू ही है जिसे मैं इतना मीठा बोलता हूँ, वो इसलिए कि मुझे तेरी परवाह है। ये क्या, मैं ही बोले जा रहा हूँ, तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगली बार मुझसे नहीं बोलेगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई तुझे कोई लड़की पसंद आती है तो या तो तू उसे खरीद लेता है या उठवा लेता है, साला इस मनी के लिए बड़ा भाव दे रहा है तू है। देख वो सब लड़कियां सिर्फ एक रात के लिए हैं, लेकिन पनी मेरी जिंदगी के लिए, उसे टच भी करूंगा ना तो मैरिज के बाद ही। पैसा किसको चाहिए, मैं तो उससे कहती हूँ कि मछुआरा गिरी छोड़ दे, वो पैसा देकर मुंह बंद कर देता है। दो आपम पार्सल देना। रुक अभी, विदेश में काम का ऑफर लेकर खड़े हैं कंपनी वाले, और ये बेवकूफ समंदर में ही डूबा रहता है। यही तो उम्र है कि विदेश से मोटी कमाई करके जिंदगी को पटरी पर ले आए। ये देखो एक कामचोर और आ गया। अब चल देना मुंह उठा के। तू हम गरीबों को क्यों कोस रही है? मुझे भी आपम देना। आ गया कामचोरों का बॉस। क्या कर रहे हो? ये ले। आपम आपम खा रहे। इंसानों के खाने की चीज नहीं है ये। इसे छोड़, मेरे साथ आ। मुफ्त में तो इंसान भी खाते हैं। ये ले थोड़ा सा खा जाना। नहीं रहने दे माँ। एक बात बता यार, इतने दिनों से माँ तुझे विदेश जाने को कह रही है, तू इस बारे में कुछ सोचता क्यों नहीं है? हमें भी फक्र होगा कि हमारे गांव का एक आदमी मोटा पैसा कमा रहा है। तुझे लगता है वहाँ हम गंवारों से कंप्यूटर पे काम कराएंगे? वहाँ मजदूर की मौत मिलेगी। सही कहा तूने, यहाँ हम सब समंदर के बादशाह हैं, किसी की गुलामी तो हम कर ही नहीं सकते। मेरे बाप ने भी समंदर में जान दी थी, मैं भी यही मरूंगा। मुझे नहीं लगता तेरा वो आवारा मरियन काम करने बाहर जाएगा। एक बात कहूँ, आदमी चाहे कितना भी आवारा क्यों ना हो, औरत की सांसों की महक उसे बदल कर रख देती है। उसे तेरी सांसों की महक चाहिए बड़े जोरों से। मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। माचिस की तीली जब तक माचिस में रहती है उसमें आग नहीं लगती ना,
वो तभी जलती है माचिस से लिपट के खुद जब रगड़ती है। बात समझ में आई? मैंने जोजो से पैसे उधार लिए थे, आज सारा हिसाब चुका दूंगा, ये वादा भी किया था। कौन सा जोसेफ है रे ये, और मैं इसे कैसे नहीं जानता? अरे अपने गांव में नया है रे, उसी के पैसे देने हैं। उसने तेरे को पैसा दिया था? मुझे यकीन नहीं होता। ये चल। क्या हुआ दोस्त? क्या कर रहा था पीछे खड़ा हो गया? कुछ नहीं। कहाँ है वो? अगली गली में। दिमाग में नहीं आ रहा किस गली में ले जाऊं इसे। अरे कहाँ ले जाऊं भाई, इसमें नहीं, अगली गली में। हाँ। ये तो तूने पिछली गली में बोला था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था। मगर मैं अब नहीं कहूंगा भाई। चल चलो। क्या हमारे मिलन के सपने देख रहा है? याद रख, फिर ऐसी कोशिश भी मत करना वरना गर्दन तोड़ दूंगा, समझा? माचिस और तीली की तेरी बातों में कोई दम नहीं, बकवास है ये। उससे दिल जलाने के लिए सिगरेट ही जल सकती है। ए जाल खोल के दे। आ दे रहा। ए खोल के देना। सगराई इधर। हाँ इधर आ। हाँ आया। अभी समेट के रख देंगे। सुबह जो झटका लगा था उसी का दर्द अभी बाकी है, अब और क्या करने वाला है। अरे लेना उसको इधर। बोलना क्या हुआ? तो रहा हूँ सकरई। हाँ बोलना भाई। कुछ नहीं। शर्मा क्यों रहा है? मेरा बटन छोड़। बोल क्या बात है? अरे वो बता क्या हुआ, बोल। वो हाँ मुझे आ गया। क्या आ गया तुझे? वही आ गया मुझे। उसके लिए मेरे दिल में। मुझे पहले ही पता था, पता था तुझे उसमें प्यार आ ही जाएगा। चल अब सर उठा। अच्छा सुनना, मेरा एक काम करेगा तू? बोलना भाई। मैं चाहता हूँ कि बोलना, उसे मिलना है। बोल आराम से बोल। मुझे उसे मिलना है। इतनी सी बात? मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। रुकना। अभी नहीं। जानता है वो बहुत अच्छा मसाला चावल बना। उससे कहना वही बना कर ले आए रात को। कितना प्यार करता है तुझसे। बेदा तेरा काम बन गया, बेदा तेरा काम बन गया। बा, 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 बा। आज पता नहीं कैसे मेरे बेटे ने खाना मंगवाया है, पर ये है कहाँ? खैर आ जाएगा, मैं इसे यहीं रख देती हूँ। चलो 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 चलो। सच में उसने मुझे बुलाने को कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो विश्वास ही नहीं। अरे ये कमबख्त यहाँ क्यों आ रही है? मुझे बुलाएगा? बुला रहा भाई। मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। भाई कहाँ गया वो? वो आ जाएगा, तू बैठ। ए उसने ये बात कही कैसे थी? तू फिर से शुरू हो गई, ये बात 50वीं बार पूछ रही है। बस एक बार और बता देना। तूने उसकी शर्मीली आंखें देखी नहीं? मैंने उसे इतना शर्मीला कभी नहीं देखा। होश उड़ गए थे उसके। हाँ अरे उसके नजर के जादू से तो मुझे नशा हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, घड़ी घड़ी तेरे बारे में सोच सोच के पागल हो रहा था। मगर ये अब तक आया क्यों नहीं? कहाँ गया रे? कहाँ जाएगा? वो तो अपने घर से ही आ रहा होगा ना? अरे हाँ घर से निकलना मुश्किल हुआ होगा,
सीली बीना है घर में, हर वक्त चौकन्नी रहती है कि कोई उसका अप्पम चुरा ना ले। हर वक्त यही डर मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। और क्या, वो तो समझती है उसका अप्पम फाइव स्टार के पकवानों से भी अच्छा है। अरे मुझसे पूछ उस अप्पम को खाने के बाद क्या होता है पेट में। अच्छा कुछ दिन रुक जा, घर में घुसते ही देख लेना, मैं उसके अप्पम का धंधा उसका चूल्हा तोड़ के बंद करवा दूंगी। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, मुझे भरपेट खाना मिले। और हाल ये होगा, फिर वो बेचारी सीली खाने के लिए मेरे आगे पीछे घूमेगी। अरे ओ करम जली, मुझे खाने के लिए तरसाएगी तू? मेरे बेटे ने इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था। रुक तुझे बताती हूँ मैं, मेरा चूल्हा तोड़ेगी। अरे अब भाग का रही है, तू मेरा चूल्हा तोड़ेगी अभी बताती हूँ तुझे। मेरे घर में आकर मेरा ही धंधा बंद करवाएगी तू? फिर से कभी मेरे घर की तरफ नजर भी उठाई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, समझी? वाह यार, मुझे झांसा देकर पहले चर्च ले जाता है, फिर उस उधारी के लिए गली गली घुमाता है जो कभी थी ही नहीं। तुझे लगता है जैसे पनी मलार कोई बहुत बड़ी हीरोइन है। ए, अब बोलना, फिर कभी ले जाएगा मुझे ऐसे फालतू कामों के लिए? ए मरियन, एक बात पूछू क्या? एक क्यों पूछता है, ज्यादा पूछना। सीरियस बात में तुझे कॉमेडी सूझ रहा? अरे नाराज मत हो मेरी जान, बोल क्या पूछना है, बोल। पन्नी को तुझसे ब्याह करना है, वो प्यार करती है, दीवानी बनी घूमती है, तू घर क्यों नहीं बसाता? इतनी उम्र हो गई तेरी मगर बुद्धि अब तक नहीं आई, वो मेरे साथ खुश नहीं रहेगी। थोम्मई को मेरे बाप का कातिल मानकर उसे दिन रात बद्दुआएं देती रहती है मेरी माँ, फिर क्या वो पनी को अपनी बहू बनाएगी? माँ से लड़कर मैं पनी को अपने घर ले भी आया तो क्या मेरे घर में वो सुखी रह पाएगी? जी लेने देना उसे शांति से, अपने नसीब में तो समंदर के थपेड़े हैं। याद रखो, अगर तुम दोनों को मेरे साथ रहना है तो दोनों में से कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं करेगा, समझ गए? अरे बाप रे, मुझे पीटेगा क्या? घूर क्या रहा है? जा जाके सो जा। चल जल्दी कर, जल्दी अगले 48 घंटों में तूफान आने की आशंका है। मछुआरों को ये चेतावनी दी जाती है कि वे समुद्र में ना उतरे। ओ थम भाई, बापू घर पे नहीं है, क्या बात है? देख बेटा, मौसम कितना खराब हो रहा है और ऐसे में वो मरियन है कि तुम्हारी बोट लेके गहरे समुद्र में जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये बात तुम बापू को जरूर बता देना। हाँ सुनिए, अरे बेटा तुम परेशान मत हो, वो लोग समुंदर से ठीक ठाक लौट आए हैं, उनकी बोट जरूर टूट गई है पर चिंता मत करो, जाओ सो। भाई बहुत शर्म आ रही है, हमने थोम्मई की बोट तोड़ दी, पूरा गांव हम पे हंस रहा है। भाई भाई कुछ बोलना, बोलना भाई, बोलना। बहुत शर्म आ रही है तुझे? तो फिर अब कभी मेरे साथ मत आना। अरे भाई शर्म आ रही है इसे, मरियन को कोई शर्म ही नहीं है, बेशरम हूं मैं।
तू ऐसे कैसे चला गया समंदर में? जानता भी है मेरी जान अटकी पड़ी थी, तूफान में यूं मरने जाने की क्या जरूरत थी? दूंगा एक खींच के। चल जा यहां से। ए, तू आखिर खुद को समझता क्या है? तू कौड़ी का मछुआरा हूं क्या है? मुझसे प्यार करती है? थक्कड़ हूं मैं, चल निकलने यहां से। तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बस तुझे जिंदा देखना था, अब जा। भागी यहां से तीर। जा ना। तेरे पास है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। ओए, क्या हुआ? माचिस है क्या? हाँ है, आजा आजा। ना दे मुंह में। तेरा जवाब नहीं है मरियन, महल का लड़का है। तेरे को मालूम समुंदर और मोहब्बत एक जैसे होते हैं, जब देखो ताजा दिखते। सच कह रहा हूं। आज तो तुम बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। ये बात मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। तजुर्बे से? तो फिर अब तक तुम अकेले क्यों हो? दिल में मोहब्बत उठनी चाहिए, इन समुंदर की लहरों की तरह। असली ताकत यहीं से आती है। आदमी को कामयाब होने के लिए माशू की मोहब्बत में फना होना पड़ता है। क्या बात है, कौन थी तुम्हारी माशू का? सुन रहे, ये बुजुर्ग क्या कह रहे हैं? आदमी को कामयाब होने के लिए माशू की मोहब्बत में फना होना पड़ता है। बस बनकर। प्रभु की अनुकंपा से, देवदूतों और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम दोनों इस शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो। मैं यहां उपस्थित सारे लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस नए जोड़े पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें। आगे आने वाले जीवन में तुम्हें वो सारी खुशियां मिलें, वो सारे सुख मिलें जो ईश्वर ने तुम्हें दे रखे हैं। हर जीव जंतु से प्यार करो। हेलो सर, थैंक यू। वो तुझे लगातार देख रहा था, तूने उससे बात क्यों नहीं की? कितना इतरा रही थी तू। कैसी है पनी मलार? मेरी तो सारी सहेलियों की मैरिज हो रही है, तू कब कर रही है मैरिज? हाँ, तेरे बस हाँ कहने की देर है, अगली शादी अपनी होगी यहाँ।
क्या है? मरियन, तुझे पता नहीं है बाइक किसकी है? चल उठ, उठ। हाँ। इतनी खुजली हो रही थी तो जाके किसी पेड़ पे खुजा था। लेडी चप्पल पे पांव क्यों रगड़ रहा था? जरा सोच, अगर यही बात मैं अभी चिल्ला कर बोलूंगा तो पूरा गांव हंसेगा तुझ पे। औरतों के चक्कर में अपना नाम खराब मत कर ठिकुर से, और आगे से थोड़ा तमीज में रहा कर। अगर वो पनी की चप्पल पे पाव रगड़ भी रहा तो क्या हो गया? भला अपने आप को धोखा क्यों दे रहा है भाई? मैं जानता हूं तू उससे प्यार करता है। तू यहां मार खाने आया है? सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। पनी मलार, पनी मलार रुक जा जरा, मेरी बात तो सुन। जानती है क्या हुआ था? मुझे अकेला छोड़ दे, कुछ नहीं सुनना मुझे, चुप हो जा। तू जरा सुन तो। मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। अच्छा सुन तो ले, क्या हुआ था? सच्चाई तो जान। क्या है? देख, मैं चर्च के कामों में बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, समझा? तू सुन तो। मैं क्यों, कुछ बचा ही नहीं है तो सुनू क्या? मुझे बात नहीं करनी है। देख बस, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार करता है? जिसे प्यार करते कभी उस पे हाथ उठाते हैं क्या? समझा कर, उसकी परवरिश ही ऐसी हुई है। ए, वो तुझे चाहता है इसलिए मारा तुझे। तेरी चप्पल को रगड़ने वाले ठिकुर उसी से भी उसने झगड़ा किया था, बताए तुझे? अभी क्या कहा तूने? जो कहा, खुद जाके उससे पूछ ले। बस तुझे जिंदा देख लिया ना, तू ठीक है ना? तू खुद को धोखा क्यों दे रहा है? हाँ, मैं जानता हूं तू उससे प्यार करता है। आदमी को कामयाब होने के लिए माशूक की मोहब्बत में फना होना पड़ता है। कुछ भी कर ले, तुम मेरा ही बनेगा। Thank you.
कितना रोमांटिक सीन चल रहा है। कमाल का है। सुपरस्टार का रोमांस क्या रोमांस होता है। अरे कमाल पूरा दिन किया देखा। इसे वहां पहुंचा। ये एक्सप्रेशन था देख बढ़िया। ए थमाई बहरा सुन ले, मेरा बेटा हीरो है, सोचना भी मत कि तेरी बेटी से फंस जाएगा। अगर जरा भी शर्म हया बची हो तो बाहर आकर बात कर। अब क्यों छुप कर बैठी है, तेरी बेटी बड़ी इज्जतदार बनी बैठी है। बाहर आना, तुझे क्या पूरे गांव में कोई और मर्द नहीं मिला था। बेशरम लड़कियां बाहर आ। उधर नहीं मेरी तरफ देख, अगर अब कभी मैंने तुझे उस पे डोरे डालते हुए देखा ना तो सीधा उठाकर तुझे समंदर में फेंक दूंगी। मेरे बेटे पे डोरे डालती है। आप लोग क्या देखने आए हैं? ये लफड़ा सास बहू और बहू सास का है। क्या? ए सुन, सास किसे बोली तू? जबान काट डालूंगी तेरी मैं। कौन है तेरी सास बता जरा। आपको नहीं पता कौन है? आप खुद है। तो बात यहाँ तक पहुँच गयी है। अगर तूने मेरे घर पे बहू बनकर कदम रखा ना तो बता देती हूँ तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। हाँ देखिए माँ जी, ये सारे झगड़े हम शादी के बाद निपटा लेंगे। हाँ? ठीक है? देखो जुबान तो कैसी कैंची की तरह चल रही है। जा जा, सब पता है मुझे कौन है इसके पीछे। वो मरिया नहीं है, बताती हूँ उसे। तुम क्या मजे ले रही हो, चलो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। हाँ, जाओ जाओ जाओ। आ जाते हैं दूसरों के फटे में टांग अड़ाने। मरियन की तो आज खबर लेती हूँ मैं। कोई भी स्टार हो, सभी के सभी मोहब्बत के चक्कर में फंसे हुए हैं। ए, ए, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, औरत के बिना ये घर कैसा कबाड़ जैसा हो गया। तुम कपड़े नहीं धोते क्या? पागल हो क्या? पागल तो तू है, माँ ने देख लिया तो दोनों को चीर के रख देगी। मेरे प्यारे स्मार्ट मरियन, तुम आखिर सीली से इतना डरते क्यों हो? अरे तू जानती नहीं है, पूरे गांव में हल्ला मचा देगी। ये काम तो वो दिन में कर चुकी है। हम मशहूर हो गए हैं। क्या चाहती है तू? क्या कुछ मांगूंगी तो दे दोगे? सोचना पड़ेगा कि क्या मांगती है तू। क्यों, तुझसे बच्चा थोड़ी मांगा है। तू तो वो भी मांग सकती है। चल निकल। वाकई चली जाऊं? रोकना मत। तुमने तो कहा था तुम पकड़ो, लेकिन अब अमीर हो गया हूं, ठीक है ना? तू हमारे साथ नहीं आ रहा है, क्या हुआ? हाँ बता। ज्यादा बातें मत बना, निकल यहाँ से, चल जा। कसम सागर देवी की मैं हमेशा तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। आ जाओ, क्या हुआ वहाँ?
किसी को मार के डाल दिया है। आ जाओ। कैसे गिली लोग हम गरीब पछुआरों की हत्या कब बंद करेंगे? एक और है वहाँ, जल्दी जाओ। तू मेरे बिना क्यों गया था समंदर में? ये मेरी गलती है। तेरी मां पूछती है मुझसे, अब क्या जवाब दूं उसे? तुझे वापस लाने के लिए क्या करूं? बोलना यार। मरियन, 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 ठिकुर से मेरे घर आ गया है शादी के लिए हाथ मांगने। वो आ गया है मरियन, प्लीज जाके उसे रोक ले, देख मैं उन सबके सामने कमजोर पड़ जाऊंगी। तू मेरे साथ आ रहा है कि नहीं? सकराई मर गया है, वहां कब्र में पड़ा है, तेरी तो भाग यहां से। निकल चल, जिससे चाहे शादी कर। और तू यहां बैठा रहे? ये बोला ना, निकल जा। मरियन, देख मैं उससे शादी कर लूंगी और फिर खुद को फांसी लगा के जान दे दूंगी। फिर तू मुझे भी यही गाड़ देना, समझा? और पड़ा रहना जिंदगी भर, मैं जा रही हूं। ठीक से सोच लो, बड़े तकदीर वाले हो जो हम तुम्हारे घर आए। कब से मेरा भाई अपनी शादी टाल रहा था और अब पन्नी मलार से शादी की जिद पकड़े बैठा है। कहता है पन्नी मलार से ही शादी करूंगा, नहीं तो कुवारा रह जाऊंगा। तुम्हारे ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कई सालों से तुमने मेरा उधार भी नहीं चुकाया है, मगर मैं चुप रहा ना। अब उस कर्जे के बदले तुम पन्नी से मेरी शादी करा दो। पैसों के बदले मेरी बेटी चाहिए? अपनी बहन का लिहाज करके रस्मों रिवाज को मान रहा हूँ, वरना कब का उसे उठा लेता। ये क्या बदतमीजी है?
कौन है ये? देख, सकराई की वजह से तू बस मुझे मारा कर। और किसे मार सकता हूँ, एक तो ही तो है मेरी। चल गुस्सा मत कर। उसी दिन तुझे भी मारकर समंदर में फेंक देना चाहिए था। कम से कम यार रोमांटिक सीन तो नहीं करता। देख ठेकुर से, मेरा अब कोई नहीं है। मैं अपना दोस्त भी खो चुका हूँ, पानी को नहीं खो सकता। उससे बात करके टाइम क्यों खराब कर रहा है? दे इसे एक लाफा खींच के। तू हट यहाँ से, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तू कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना, मैं तेरे पैसे दे दूंगा। ए, बुड्ढे, मुझे पैसे नहीं, तेरी बेटी चाहिए, बेटी, समझा तू? से सुन, मुझे मेरा पैसा चाहिए ब्याज के साथ कल सुबह तक, वरना तो जिंदा नहीं बचेगा, समझा?
क्या करेंगे? मरियन, उसने तो बापू को डेडलाइन दे दी है, अब बापू क्या करेगा? वेलकम भाई। देखो ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे पहले साल की तनख्वाह इस एडवांस में एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद तुम्हें 2 साल के बाद ही पैसा मिलेगा, चाहे तुम वहाँ काम करना पसंद करो या ना करो। इस दौरान तुम जॉब छोड़ नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखना। इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। कम से कम आज तो तुम्हें सिली की जिद की कीमत का पता चल गया होगा। ये ठेकुर सिंह को दे देना, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं पनी के लिए किया है, उसका ख्याल रखना। तू समुंदर का बेटा है रे, इसकी गोद में पलकर बड़ा हुआ है, इसकी गोद को छोड़कर तू आखिर कैसे जाएगा रे? हाँ दो ही सालों की तो बात है, मैं रह लूंगा। मरियन, ऐसा ही तो चाहती थी ना तू, चला जाऊंगा, अब खुश है ना तू? मैं जानती हूं तू क्यों जा रहा है। इतने सालों तक जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कहती रही तब तूने नहीं सुना, अब याद आई है तुझे, मगर अब सब कुछ छोड़कर उस पन्नी की इज्जत बचाने चला है। सुन, मैं तुझे पैसों के लिए नहीं भेजना चाहती थी, ले जा उस डायन के मुंह पे मार देना ये पैसा, खुश हो जाएगी, जा। खुश रहता था यहाँ समुंदर में अपने दोस्तों के साथ, सब छोड़ के जा रहा है केवल मेरी वजह से। तेरी वजह से नहीं, तेरे लिए जा रहा हूं, रो मत, रोना बंद कर। रो मत अभी, इस तरह विदा करेगी तू मुझे? हाँ, दो साल तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। अब
अपनी जिंदगी जीने फिर आऊंगा। उसे देखने की हिम्मत ही नहीं थी मुझमें। 2 साल किसी तरह गुजर ही गए। अब फोटो से नहीं, अपनी पनी से मैं सच में मिलूंगा। क्या हुआ मरियन, तू इतना परेशान क्यों है? इसकी गर्लफ्रेंड इसका इंतजार कर रही है। जब यहाँ आया था तो उसे वहीं छोड़ आया था। अरे यार चुप ना। तुम्हारी लवर है? आई एम मैरिड, आई हैव वाइफ। वाइफ है? फिर तो जरूर तू उसे पीछे छुड़ाकर आया है। सुना तूने, ये मैरिड है। अरे रे, आशिकी का मजाक भला ये क्या समझेगा। Die, 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 die
तुझे? कुछ नहीं, उसने कहा था उसका नाप बदल गया है। ये कपड़े फिट आ जाएंगे? कैसे नहीं आएंगे, एक बार तेरे हाथ का खाना खाएगा तो तगड़ा और फिट हो जाएगा। दीदी। हाँ आजा अंदर। दीदी तेरे लिए फोन आया है। हाँ? तेरे लिए फोन आया था अफ्रीका से। क्या? पता नहीं क्या बात है, जल्दी आ। हाँ, सच में? मरियन? हेलो, मैं विलियम बोल रहा हूँ। वो कहाँ है? मैं मरियन के साथ काम करता हूँ, दरअसल आपको एक न्यूज़ देनी थी। हाँ बताइए ना। यहाँ के लोकल आतंकवादियों ने हमारे कुछ वर्कर्स को किडनैप कर लिया है और वो सब कहाँ हैं इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, और हमारा शक है कि शायद मरियन भी उनमें से एक है। ये आप क्या कह रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, हमारी कंपनी उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, उन्हें कुछ नहीं होगा, यकीन रखिए। मुझे भूख लगी है, हमारा हिस्सा भी भूख खा रहा है। अरे यार थोड़ा दिला देना यार। मैंने अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा भी हो जाता है तो मैं उसे भेज देती। ओ सिली, अपना रोना बंद कर। खामखा क्यों ये तमाशा लगा रखा है? भगवान, और तुम सब लोग जाओ अपने घर। सुनो, मरियन उनसे लड़ेगा और जरूर वापस आएगा। अब उठो और जाओ यहाँ से। और तुम चुप हो जाओ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? जाओ यहाँ से। डायन, इस सारी मुसीबत की जड़ तू ही तो है, बड़ी आई बढ़ चढ़ कर बातें बनाने के लिए। खबर सुनकर अच्छा नहीं लगा, जो हुआ उसे भूल जा। मरियन से मेरा झगड़ा जरूर हुआ था, अगर मेरे गांव का साथी था वो, अगर उसे कुछ होता है तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बताना, रात में भी हाजिर हो जाऊंगा। दुनिया में भगवान का कोई वजूद है क्या? वो तो हमें छोड़कर कब का चला गया यार। Move forward!
ये बताइए, हमने आप पर विश्वास करके भेजा था ना? हम हाली लोगों के लिए जॉब ढूंढते हैं, उनकी जिंदगी बचाने की गारंटी नहीं लेते हम। देखो मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ, तुमने उसे भेजा था ना, वापस लाओ। देखो मैडम, मैंने उसे इसलिए वहाँ भेजा क्योंकि उसकी माँ मेरे सामने गिड़गिड़ाई थी। जाकर कंपनी से बात करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं हूं, देख जरा। मारियन कितने दिन बीत गए हैं यार, कंपनी हमें पैसे देगी ना? नहीं देगी तो ये लोग हमें मार देंगे। मैं जाऊंगा। बताना आइको, आइको, माय मदर शी नीड्स मनी, उसका ऑपरेशन है, मुझे जाना ही होगा, मैं जाऊंगा। आइको आइको आइको, डोंट टॉक, माय मदर नीड्स मनी, शी नीड्स मी, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना। गो, दे शूट, शूट, गो। अब हमारा क्या होगा मरियन, क्या हम कभी अपने घर पहुंच पाएंगे? Please, I go to the company. I talk to them. I get money. Let me call them. Please, brother. I get money. Eat him. Brother, please. Brother. Rascal! What is this? सब कायर है, क्या चाहते हो तुम लोग, बोलो क्या चाहिए? पैसा चाहिए? वो नहीं है। तुम गरीब हो तो हम भी गरीब हैं, दिखता नहीं है तुमको। मनी, नो मनी, हमारे पास सिर्फ जिंदगी है, वही ले लो ना। क्या दिखता है? यो डांस डांस डांस, शूट करना। अच्छा यो डांस डांस, ये हमें शूट नहीं करेंगे, हमें से पैसा मिलेगा। डांस डांस, you are all smart, you don't have money, you don't have money. Marian, talk to your company. Marian,
Talk to your company. We want money only. Shut up, you! Marianne. Don't die! Shut up! You want life? Give me money! Give me money! Shut up! Shut up, you! Don't cry! Hey, Marianne! Shut up! Shut up! Hey, Marianne! 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 Your friend, he's gonna die. He's gonna die. Do you understand? लगी है मरियन, पूरा खाना खाना है, भूख लगी है। चिंता कैसे, मैं हूं ना, अभी खिला दो। पनीर, उसे एक प्लेट दे। उठ जा मेरे दोस्त, उठ जा। प्लेट तो खाली है। पनीर, ये क्या है, खाना क्यों नहीं परोसा अब तक? यहां रख। मिला मच्छी की करी, बांगड़ा फ्राई, रोटी चावल, सब तेरे लिए, खा ले। बस सुरमई मछली तो बड़ों के लिए है। हाँ, इसे हटा दो। ए भाई, पनीर ने मसाला भात भी बनाया है, बहुत खुशबू आ रही है। उस मछली में कांटा है, कांटा है। बताता हूं, इसे ऐसे सिर से पकड़, अपना मुंह बड़ा कर, इसकी पूंछ जब जुबान को छू ले तो होठों से ऐसे पकड़ के इसको खींचना है। अच्छा, कांटा मक्खन की तरह निकल जाए, समझ गया ना? चल अब ताड़ी पीते हैं। हो गया भाई को, शुँ।
बीड़ी पिएगा। मेरे गांव की है, एक एक कश बहुत दिलकश है, मजा आएगा। ले पकड़ इसे। We want only money. You talk. Your company. Hey, Marianne, call la. Let's move. Go. Go inside. Go. Go fast. Hey. Come on. Go. Move the van. We want money. We want money. Talk to your company. We need money. When your company will not pay to us, you, today, die. This is Maria. No. पर पता नहीं कब तक। क्या? ये क्या कह रहे हैं तू? Yes, sir. Help, sir. Money, sir. तू कहना क्या चाहता है मरियन? मैं कुछ समझी नहीं। मनी। हाँ, बोल ना, मैं सुन रही हूँ मरियन। मैं नहीं जानता फिर तुझे देखूंगा या नहीं। मैं नहीं जानती तू किस हालत में है मरियन। पहले तो ये बता तू है कहाँ? तू चिंता मत कर, तू मुझे बता तू है कहाँ? No, sir. I don't know, sir. Help, sir. Marianne. सब खत्म हो गया पने। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? सुन, तू मेरा इंतजार मत कर। तू वापस लौट के आएगा। हाँ, यस सर। सर, स्पीकिंग। मेरा पति है तू, हमारा एक परिवार होगा। बनी। मरियन, मैं तेरा इंतजार करूंगी। बनी। मरियन, तू मुझे सुन रहा है ना?
talking to girlfriend. He's cheating us. He's talking to his girlfriend. Hey you! ए बच्चे, मुझे इसी वक्त मार डाल, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। बनी को सब कह दिया, काफी है, काफी है। मरियन, तुम लोगों ने क्या किया तेरे साथ? मुझे तेरी बहुत फिक्र थी यार। ये कैसे ले आया? भाग चलते हैं। हाँ मरियन, भाग चलते हैं यहां से, चल। अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? सब खत्म हो गया बनी। मेरा इंतजार मत करना बनी। मरियन, मरियन, तुझे लड़के आना होगा, आना होगा, लड़के आना होगा। मरियन, 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 मेरी ममता शायद उसे ना ला पाए, पर तेरा प्यार उसे जरूर वापस ले आएगा। Thank you.
come, come, move, move forward, go, go, go. Wait, wait, I'm also coming, wait. बकवास कर रही है। मैं कह रही हूँ ना वो आ रहा है। तुझसे कहा ना वो कभी नहीं आएगा। वो आ रहा है। वो नहीं आएगा। सिर्फ मैं ही आऊंगा। चल। यही वो जगह है ना जहाँ मैं बेइज्जत हुआ था। ले अब तो मैं वापस आ गया। अब क्या करेगा वो? हंस रही है। देख अब तेरा क्या हाल करूंगा मैं। आजा, ये काम तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तू कुछ नहीं कर सकता। तू कुछ नहीं कर सकता। क्या समझती है तू मुझे? तुझे लगता है मैं नपुंसक हूँ? अब दिखाता हूं तुझे मेरी मर्दान की। कमीने जलील, तेरी जान ले लूंगी मैं। मेरी जान लेगी? पता कैसे लेगी? बहुत जान आ गई तुझमें। हाँ, अब देख तेरी जान के साथ मैं क्या करता हूँ। बाबू, मरियन, मरियन आ रहा है, मरियन आ रहा है। Thank you.
lost. No money. The cheat only. Fast. Shut up! I'll kill you! I'll kill you! पलक झपकते ही आ जाऊंगा। मैं पल के बिछाए तेरा इंतजार कर रही हूँ। वापस लौट आओ मेरे प्यार।
मैं तेरे बच्चों की माँ बनूंगी, उन्हें समंदर में खेलते हुए देखूंगी। आजा, आजा, आजा मेरे प्यार। मेरे पास आ, आजा।
कहा था ना मुझे मार दे। He's alive. Where to let's do? Take him to the hospital right now. Okay, let's take him. Check that patient. Okay, okay. Come there. That's fast. Yes. Yes, doctor. I've already given. Marian, Marian, are you okay? Will you talk to me? Will you talk to me? Are you okay? Marian, are you okay? Marian. Okay, I will take care. Marian, Marian, अब तुम्हें कैसा लग रहा है?
दिन तक मैं आतंकवादियों के कब्जे में रहा, उनसे बचकर मैं 300 किलोमीटर तक भागा। बिना कुछ भी खाए या पिए हुए अपने दोस्त संक्रई को मैंने समंदर में खोया और सामी को रेगिस्तान में। उस पनी मलार के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। अब तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना? वादा है, हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा।